कई दुकानों और गाड़ियों में आग लगा दी गई। इस टकराव में तकरीबन 20 लोग घायल हुए हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि उन्होंने केंद्र को हालात के बारे में सूचित किया है और शांति स्थापित करने की कोशिशें की जा रही हैं। और हमने केंद्र से भी बात की है, वहाँ से भी एयरड्रॉप 3 कंपनियां हम करने जा रहे हैं लोगों को रेस्क्यू करने के लिए। और वहाँ के हमने मेवात के इंटरनेट बंद करने के भी आदेश जारी कर दिए हैं, ताकि लोग अफवाह न फैलाएं कि सबसे पहले वो सारे शांति बहाल करें। ये मैं अपील भी करना चाहता हूँ। पुलिस ने नूह में फ्लैग मार्च निकाला। वहीं प्रशासन ने जिले में बुधवार आधी रात तक मोबाइल इंटरनेट पर बैन लगा दिया है। जो नूह में हुआ है, मेरी सभी से ये अपील है कि शांति कायम रखें। दरअसल मेवात में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने जलाभिषेक यात्रा निकालने का ऐलान किया था। मोनू मानेसर को भी शामिल होना था कि मोनू मानेसर के इस यात्रा में शामिल होने के चलते ही पथराव हुआ।